हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब करने अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगले साल 2 बार बोर्ड परीक्षा होना तय, तो प्रधान तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगले जो शैक्षिक सत्र होगा 2025-26 के लिए, उसमें जो है 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा होंगी। इसके लिए केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगली बार जो है यहाँ पर बोर्ड परीक्षा की जो परीक्षा होंगी 2 बार कराने के लिए तय कर दिया गया है। और हो सकता है कि 6-6 महीने पर जो है 2 परीक्षाएं यहाँ पर हो सकती हैं। और इस व्यवस्था को लागू होने को लेकर इसका शेड्यूल के हिसाब से जो है अगले साल दिसंबर में जो है बोर्ड परीक्षा हो सकती है, ऐसा यहाँ पर इसकी संभावना बताई गई है। उत्तराखंड में जो है खेल सामग्री और यहाँ पर किताब खरीद की जाँच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और सरकारी स्कूल में यहाँ पर खेल सामग्री है, लाइब्रेरी की किताबें की जो खरीद है, इनमें अनियमितता की जो है जाँच कराने का जो है निर्णय लिया गया है। और शुक्रवार को जो डीजी है शिक्षा विभाग के वंशिता तिवारी, उन्होंने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जो है 15 जुलाई तक जो है समस्त स्कूलों की जो है वह जांच करने के आदेश दिए हैं। और जिन स्कूल में सामग्री उपलब्ध नहीं होगी या मानक के अनुसार नहीं होगी तो उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया गया है। और इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो है हर स्कूल जो उसकी ग्रांट है, आप लोग देख सकते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक में है, खेल सामग्री का ये है हिसाब और यहाँ पर लाइब्रेरी का ये है हिसाब। और 20,000 से ज़्यादा जो है राज्य में छोटे बड़े स्कूल हैं और 10 से 35 हज़ार रुपये तक का जो है यहाँ पर जाते सालाना बताया गया है, इसकी जांच की जाएगी। नीट जो है सीबीएसई जांच की मांग, सीबीआई जांच की मांग पर जो है केंद्र और यहाँ पर एनटीए को नोटिस, तो नीट यूजी 2024 में अनियमितताओं की जो है यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यहाँ पर एनटीए और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में जवाब जो है तलब किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। और 24 लाख परीक्षार्थी के भविष्य की चिंता है बताया गया है। और इस पर जो है सुनवाई कर रही है और कहा कि नोटिस जारी कर रहा है यहाँ पर शिक्षा आपके कोर्ट ने। बिनसर हादसा जो कि यहाँ पर DFO और वन संरक्षक लंबे तो काफी ज्यादा वायरल आपकी वीडियो हुई थी, इसमें जिसमें 4-5 बनकर भी जो है जल गए थे, काफी झुलस गए थे। आप लोगों को पता कि 4 लोग जो है उनकी मौत भी हो गई थी। तो इसको शक्ति को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं को जो है यहाँ पर किया गया है अटैच और कई जो है आदेश यहाँ पर जारी करें सीएम धामी के द्वारा। सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय ने जो है जारी किया रिजल्ट, तो यहाँ पर एक परीक्षा एक परिणाम के फॉर्मूले के तहत जो है समय से घोषित किया जा रहे रिजल्ट, तो 30 तक जो है सभी कक्षाओं का जो है रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य। तो यहाँ पर सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की ओर से वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाओं का जो है रिजल्ट घोषित करना शुरू हो गया है और 30 जून तक जो है विश्वविद्यालय ने सभी कक्षाओं का जो रिजल्ट है जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें यहाँ पर जो है ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर देख सकते हैं अपना अपना रिजल्ट। और वर्तमान में बताया गया कि यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय में 67 जो व्यावसायिक और 15 वार्षिक और यहाँ पर 20 से अधिक जो परंपरागत जो पाठ्यक्रम है, लगभग 217 उच्च शैक्षणिक संस्थान में जो है संचालित किए जा रहे हैं। 63 छात्रों ने किया पंजीकरण, 6 ने लिया प्रवेश। तो यहाँ पर राज की पीजी कॉलेज तलीसरण में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में 63 छात्रों ने पंजीकरण किया गया है। नीट पर जो है केंद्र ने जवाब मांगा, तो केंद्र ने जवाब मांगा है परीक्षा में धांधली के आरोप की जो है सीबीआई जांच कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई की है। अनियमितता के दोषी को जो है यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा प्रधान ने कहा है। और तथ्य छिपा ग्रेस अंक रद्द करने का जो है आरोप भी किया गया है और मामला जो है हस्तांतरित करने की मांग भी की गई है। और कोटा में जो है नीट परीक्षा के चलते नहीं हुई थी हुई खुदकुशी, और वहीं पर नीट परीक्षा परिणाम में जो गड़बड़ी दूसरा व्यापम, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। सीबीआई ने जो है जांच में अधेड़ उद्यान जो यहाँ पर घपले की जो है पर्चा खोली और इसमें 2.40 करोड़ रुपए के खर्च पर यहाँ पर जो है 4 योजनाओं पर जो है जांच की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा संघ ने जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी को जो है सौंपा 7 सूत्री ज्ञापन। तो यहाँ पर उत्तराखंड के राज्य के प्राथमिक शिक्षा संघ ने पदाधिकारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नियंत्रण से वार्ता की और प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षकों के लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान की मांग कर मुख्य शिक्षा अधिकारी जो कि जगमोहन सोनी को जो है 7 सूत्री मांग की सौंपा है। मीटिंग में जो है बोर्ड परीक्षा में जो है श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर चर्चा, तो उत्तराखंड के बोर्ड परीक्षा परिणाम जो सुधार परीक्षा परिणाम और इसके जो गुणवत्ता सुधार परीक्षा के हैं उसके रिगार्डिंग जो है बौद्धिक स्तर और उठाने के लिए जो है विशेष अभियान चलाएंगे जोर दिया है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पौड़ी में निकाली गई भर्ती, जिसमें अब स्टाफ नर्स की है 3 दुबलाए को इसका इंटरव्यू होगा, 40,625 सैलरी मिलेगा जो कि नितांत अस्थायी तौर पर जो है आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा।
और इसके अलावा आपको हर हाल में जो है 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में पंजीकरण करवा लेना चाहिए, करवा देना पड़ेगा 3 जुलाई को। UOU में जो है प्रारंभ 4 वर्ष पाठ्यक्रम स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम, तो यहाँ पर देख सकते स्नातक पाठ्यक्रम ऑनर्स जो है शुरू हो चुके हैं, और मुक्त विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारी है, और जो कि NEP 2020 के तहत जो है विश्वविद्यालय प्रशासन और अन्य पाठ्यक्रम इसमें सिलेबस बांटने में जो जुट गए हैं, और कला विज्ञान वाणिज्य संकाय में विषयवार चौथे वर्ष की अध्ययन सामग्री तैयार की जा रही है, और अगले वर्ष से UOU में 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ये लागू होने वाले हैं, 1 वर्ष करनी होगी स्नातक कोर की पढ़ाई। तो यहाँ पर NEP के अनुसार जो है विद्यार्थियों को जो है 3रे वर्ष में जो है मुख्य विषय में 2 का जो है चयन करना होगा, इनमें एक विषय अनिवार्य रूप होगा, और इसमें पढ़ाई का जो है चौथे वर्ष में करना चाहिए, ऐसा वह कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस में निकाली गई पोस्ट, इसमें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रखी गई, नर्सिंग असिस्टेंट की, ड्राइवर की पोस्ट है। तो मेडिकल ऑफिसर की 2-3 पद हैं, 75 सैलरी मिलेगी, जिसमें यहाँ पर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में रखी गई हैं। नर्सिंग असिस्टेंट की रुद्रप्रयाग में पोस्ट है, ड्राइवर की यहाँ पर जोशीमठ में पोस्ट है। 19,700 रुपये जोशीमठ में ड्राइवर को मिलेगी, नर्सिंग असिस्टेंट को 28,100 रुपये मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर 15 जुलाई तक का समय दिया गया है, तब तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें आप अर्धसैनिक बलों में जो है कांस्टेबल भर्ती के बढ़ गए 20,471 पद, तो पदों में पद वृद्धि हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं पदों की जो कि आपका यहाँ पर SSC नवंबर 2023 में किए थे ऑनलाइन आवेदन, इनमें अब पदों की कहाँ पर कितनी हुई देखिए, BSF में 12,000 से ज़्यादा, CISF में आपका 13,000 से ज़्यादा, CRPF में 9,000 से ज़्यादा, SSB में 1900 के करीबन, IT में 6,000 के करीबन, और असम राइफल में 3,000 के करीबन, और यहाँ पर आपका जो SSF है इसमें यहाँ पर 296 पद। तो ये पद पहले पहले यहाँ पर 26,000 पद घोषित किए गए थे, उन पर जो है पदों की संख्या अब 46,617 कर दी गई है, जो कि अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या में इजाफा हो चुका है, इनकी भर्ती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, और इन पद पर आप लोग देखते हैं इनका लिए अब शुरू हो चुका है। NTA ने जो है ग्रेस अंक देने का जो है फॉर्मूला नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि NTA की ओर से नीट के रिजल्ट का घोषणा करने के बाद उनकी शिकायत थी कि भाई 4 जून को रिजल्ट होने के बाद भाई किस तरह यहाँ पर ग्रेस अंक दिए हैं वो बताएं। बात करते हैं आज जॉब अलर्ट को लेकर, तो पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन में निकाले गए हैं लिमिटेड पदों में 435 पद पर, इसके लिए 4 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। NFL में निकाले गए हैं 164 पद, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 2 जुलाई तक है। एम्स से मंगलगिरी में निकाले गए हैं 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं, 70 पद निकाले गए। इंडियन कोस्ट गार्ड में निकाले गए 320 पद निकाले गए हैं, जनरल ड्यूटी के 3 जुलाई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, बाद 10वीं 12वीं के लिए आवेदन करना पड़ेगा, वेबसाइट यहाँ जारी किया गया है। उसके साथ यहाँ पर NLC में नौकरी के 163 पद निकाले गए, IIT हैदराबाद में 52 पद निकाले गए, अन्य पद नीचे आप देख सकते हैं, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।